नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम रैखिक समीकरणों का हल एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से किस प्रकार करते हैं, एलयू वियोजन विधि से किस प्रकार करते हैं, आज हम देखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, फिर यहां पर आ गया समीकरण निकाय। तो एक मान लेता हूं, दो मान लेता हूं, तीन मान लेता हूं। समीकरण एक, दो व तीन को अवयव रूप में व्यक्त करने पर कितना आएगा? 3 2 1, 2 3 1, 2 3 2 और 1 2 3, एक्स वाई जेड 10 14 14। देखो 3 2 1, 2 3 2 और 1 2 3, 10 14 14। ये एक्स इज इक्वल बी आया। ए इज इक्वल आपके पास कितना है, आप लिखिएगा 3 2 1, 2 3 2, 1 2 3। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, और बी कितना है, 10 14 14। अब हम क्या करते हैं, मान लो ए इज इक्वल कितना, एल यू, जहां एल 100, एल 21 10, एल 31 एल 32 1, यू U11, U12, U13, 0 0। अब हम ए एलवा यू का मान कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू कितना है, 3 2 1, 2 3 2, वन टू थ्री। एल ये सब में रहेगा सेम, वैसी और यू U12, U13 जीरो, इन दोनों को सॉल्विंग करें इनके साथ गुना करेंगे, U11 U13 सेकेंड में आइएगा, U11 थर्ड में आइए, ये देखो प्यारे बच्चों, ये गड़बड़ हो रहा है। सेकेंड में लेंगे L21 U12 फिर U22, और इसी का थर्ड में क्या आएगा, L21 U13।
इसमें आइए, L3 1 U1 1, फिर इसमें आइए, L3 2 U2 2, नेक्स्ट आइए, L3 2, ये देखिए। अब क्या कीजिए, तुलना कीजिए। U11, U122, अच्छा बच्चों 1 2 3 इसको माने हैं तो इसको मान लो, ABC, इधर 1 2 माने हैं, इसके पहले वाला भी वैसे कर लीजिए बच्चों, मेरे से इक्वेशन मानने में ना कंजूसी होता है बहुत, इसको भी ABC मान लो, क्योंकि आगे फिर चलो। अब हमारे पास L21 U11 इज इक्वल कितना, 2, दो तक गए हैं, 3 ले लो, L21 U12 4 इज इक्वल 3, L21 U13 ये ले लो 2। अब इसमें आइए, U11 इज इक्वल 2, ये समीकरण नंबर कितना, 5। अब रखिए इसमें U11 का मान 3 रखेंगे, समीकरण 3 से L21 यहां 3 रखिए, 2/3 हो जाएगा, समीकरण 4 से L21 हमारे पास है, निकल गया है, U12 3, L21 U12 3, सॉरी U12 2 है, देखिए ऐसी मिस्टेक हो सकता है बच्चों, बार बार पेज पलटा रहा हूं मैं, U12 है ना, हाँ, अब प्लस U22 इज इक्वल 3, फाइव बाई थ्री। इसके बाद L21 U13, L21 U13 1, U23 इज इक्वल 2, सिक्स माइनस 2/3, 4/3, U23 भी निकल गया। अब L31 निकाल लेते हैं, U11 तो हमारे पास है 3, 5 से
छह से। एल थ्री वन यू वन वन कितना है? थ्री। प्लस सॉरी इज इक्वल वन। अब एल थ्री वन यू वन टू, एल थ्री वन यू वन टू टू, एल थ्री टू यू टू टू, एल थ्री टू एल थ्री टू निकालना है। यू टू टू है, एल थ्री टू यू टू टू 5/3 इज इक्वल टू, तो कितना आएगा इसका? टू माइनस 3 × 2 = 6, 4, 4/3 तो एल थ्री टू इज इक्वल कितना मिला? 4/5। अब सबका मान इसमें रखिए, एल थ्री वन कितना है? 1/3। एल थ्री वन 1/3, 1। तीन चार छः, सात से और ये 8 से। एल थ्री वन 1/3 इंटू 1 प्लस एल थ्री टू यू टू थ्री, एल थ्री टू यू टू थ्री यू टू थ्री कहां से आए? ये देखो 4/3 प्लस यू थ्री थ्री इज इक्वल 3। चलो इसको सॉल्व करो। यू थ्री थ्री आया 3 − 1/3, 4 × 16 / 5 = 15। एलसीएम आया 15, 15 × 3 = 45, 3 × 5 = 15। 45 में 21 गया, तो यू थ्री थ्री आपके पास आया 24/15। चेक कर लेना। और भाई 45, ये देखो 45 − 21 24 बचेगा। अब हमने तो एल निकाल लिया 100, एल टू वन 2/3, एल थ्री वन 1/3, एल थ्री टू और यू क्या हुआ? यू वन वन 3/2, 1 जीरो, यू टू टू 5/3, यू टू थ्री 4/3, यू थ्री थ्री 24 जो आ रहा है मैंने लिख दिया। अब हम ए ए जो माने हैं, ए इज इक्वल एल यू जो माने हैं, समीकरण एक में रखेंगे। एक में रखने पर तो एलयू एक्स इज इक्वल कितना आएगा? बी। इसमें भी मान लो यू एक्स इज इक्वल कितना है? वी, जहां वी इज इक्वल वी वन वी टू वी थ्री,
ये नंबर कितना है? 9। अब रखिएगा वैल्यू, तो एल वी बराबर कितना आ गया? बी। एल वी व बी का मान रखने पर, चलो रखो, एल एल का मान कितना है? 100, 2/3 10, 1/3 4/3, 4/5 है बच्चों, 1/3 4/5 1 आया। उसके बाद वी बी का वैल्यू कितना है? बी 10, 14, 14, 1/V, 2/3 V1 प्लस V2, 1/3 V3 कितना आया? 10, 14, 14, 14। तुलना करो तो V1 इज इक्वल 10 आया, और 2/3 V1 प्लस V2 इज इक्वल 14। चलो V1 का मान रखो, V2 इज इक्वल 14, 20/14 42, 22/3। चलिए तीसरे में आइए, 1/3 V1 प्लस 4/5 V2 प्लस V3। V1 का वैल्यू कितना है आपके पास? 10। V2 का वैल्यू कितना है? 88/15, 15 एलसीएम लीजिएगा, 15 चौक 60, 6 15 एकम 15, 6 210 हो गया, 50 हो गया, और ये हो गया 88। 8 5 13, 210 में 138 गया, 72 आएगा। तो हमको V इज इक्वल क्या मिला? 10, 22/3, 10। अब देखो हमारे पास ये देखिए, एल वी अपॉन वी तो हो गया यूएक्स अपॉन यूएक्स वी में, मां रखेंगे। हमने अभी बनाया वी, यू कितना है अपने पास? 3, 2, 1, जीरो 5/4, 5/3 4/3, 0, 0, 24/15, XYZ 20 का वैल्यू है ना? V 10 22/3 चलो मल्टीप्लाई कर लो, 3x+2x,
3x प्लस 2x प्लस वाई। अरे ऐसे पहला पहले से ना, 3x प्लस 2y प्लस जेड। नेक्स्ट कितना आएगा, 5/3y प्लस 4y 3z। टेन 22/3 72/15। चलो तुलना करो, तो 3x प्लस 2y प्लस जेड 5/3y तो 3 को हटा दीजिए तो 5y। इसके बाद इसमें करेंगे ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा, 24 3 72 जेड 3 आ गया। जेड का मान रखिए 4 × 3 10 आ गया, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2। अब एक y व जेड का मान क्या मिलेगा आपको, 3x 2y जेड, 2 × 2 = 4 × 3 = 7। तो इस प्रकार हमने डिकम्पोजिशन विधि से पाया प्यारे बच्चों, x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 2, z इज इक्वल 3। आया समझ में, बहुत सिंपल है एलयू मेथड। आगे हम और भी बहुत सारे मेथड देखेंगे, तो बस कंसेप्ट याद रखिए। क्या किया आपने, इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल बी लाया, यू इज इक्वल ए इज इक्वल एलयू माना, ए का मान रखा, एलयू एक्स इज इक्वल बी, यू एक्स इज इक्वल वी, एलवी इज इक्वल बी, एलवी का मान रख करके वी निकाल लीजिए, फिर लास्ट में यू एक्स इज इक्वल वी रख करके सब वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो यही होता है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।